एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मी रिचा। आज मैंने अपने बाल अपने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किए हैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि बालों को स्ट्रेट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे बाल एकदम अच्छे से स्ट्रेट हों और उनको कोई भी डैमेज भी ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा स्ट्रेटनर। तो हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी सस्ते या फिर लोकल ब्रांड के हेयर स्ट्रेटनर के लिए, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है उनकी केयर कर पाते हैं और अच्छे हो पाते हैं। और अगर हम कोई लोकल ब्रांड का या सस्ता मद्दा सा हम स्ट्रेटर यूज करते हैं तो वो हमारे बालों को डैमेज करता है। इस तरीके से हमको सीधे तो नहीं समझ में आता उसका डैमेज, पर टाइम टू टाइम उसको यूज करने के बाद जब हमारे बाल खराब होने लग जाते हैं तब हमें इसके बारे में पता चलता है। तो कभी भी हम जो हेयर स्ट्रेटनर परचेज करते हैं, एक बार उसके लिए कुछ अच्छा अमाउंट पे कर दीजिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, आपको 1,500 से 2,000 के बीच में भी आराम से मिल जाएगा हेयर स्ट्रेटनर अच्छी कंपनी का। और हेयर स्ट्रेटनर ऐसी चीज है कि हम रोज परचेज नहीं करते हैं, एक बार अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी स्ट्रेटनर खरीद लेते हैं तो काफी ज्यादा समय तक आपके साथ चलता है। एक बार लेने के बाद सालों उस दोबारा खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर अच्छी क्वालिटी का आप स्ट्रेटनर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो एक बार में या मैक्सिमम 2 टाइम्स में ही आपके बालों को बहुत ही अच्छा स्ट्रेट कर देता है। और जो लोकल ब्रांड्स होते हैं यानी कि जो सस्ते जो ब्रांड के आते हैं उनको जो है आप कई बार जब तक आप चलाओगे नहीं अपने बालों के ऊपर तब तक वो आपके बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं करता है। और बार बार चलाने की वजह से आपके जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट होने के बजाय जलना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आप एक दो बार करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उसको यूज करते जाओगे तो आपके बालों में डैमेज आपको साफ नजर आएगा। आपके बाल एकदम ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना सिल्कीनेस जो होती है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, नमी गायब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप एक अच्छा स्ट्रेटनर यूज करिए तो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास फिलिप्स का स्ट्रेटनर है जो मैं कम से कम 3 से 4 साल से यूज कर रही हूं और मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। हेयर स्ट्रेटनर परचेज करने से पहले आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो इसकी प्लेट होती है, मेरे पास ये वाला हेयर स्ट्रेटनर है और इसमें जो प्लेट्स आती हैं यहाँ पर जिससे कि बाल स्ट्रेट होते हैं ये सेरेमिक की होनी चाहिए। जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर परचेज करो तो आप ये ध्यान रखो कि जो आपकी प्लेट्स हैं हेयर स्ट्रेटनर की ये सेरेमिक की हो, स्टील की नहीं हो। जो स्टील की प्लेट्स होती हैं वो काफी ज्यादा डैमेज करती है हमारे बालों को, तो सेरेमिक की प्लेट जो होती है वो तभी इतना ज्यादा डैमेज नहीं करती है। कोई भी चीज अपने बालों में हीट करोगे तो थोड़ा तो करेगी बट उतना ज्यादा नहीं करती है। दूसरी बात है कि जब भी हमको अपने बाल स्ट्रेट करने हैं तो उसके पहले हमें हीट प्रोटेक्टर यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हीट प्रोटेक्टर मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो आई थिंक 750-800 से ऊपर या 1000 से ऊपर ही आती है, हर कोई नहीं परचेज कर सकता है इतना कॉस्टली प्रोडक्ट। और अगर हम हेयर स्ट्रेटनर यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, एक आप हेयर सीरम ले लो, कोई भी अच्छी कंपनी का हेयर सीरम ले लो। ये 200 या 250 के अराउंड आराम से आ जाता है, इतनी बड़ी बॉटल है ये, कम से कम 100 ml की है, बहुत ज्यादा टाइम चलने वाली है। तो आप एक हेयर सीरम परचेज कर सकते हो, जब भी आपको हेयर स्ट्रेट करने हो तो अपने सूखे बालों के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद अपने हेयर स्ट्रेटनर को यूज करिए हेयर स्ट्रेट करने के लिए। थर्ड एंड ये भी काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने बालों को कब स्ट्रेट करना चाहिए, यानी कि क्या हमें नहाकर आते ही तुरंत अपने गीले बालों को स्ट्रेट करना होगा ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे, जैसे कि हम कपड़ों पर आयरन चलाते हैं तो उसको स्टीम करके करते हैं। तो काफी ज्यादा लोगों को मन में ये रहता है कि अगर हम बालों को गीला रखने या हल्का नम रखने के बाद उसको स्ट्रेट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से स्ट्रेट होगा, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपके बाल जरा से भी गीले होंगे तो आपका जो हेयर स्ट्रेटनर है वो आपके बालों को तुरंत जला देगा, आपके बाल स्ट्रेट होने के बजाय और ही ज्यादा खराब हो जाएंगे और आप उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते जब तक कि वो कटकर निकल नहीं जाते। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप हेयर स्ट्रेट करते हो आपके बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, जरा से भी वो गीले नहीं होने चाहिए, मतलब भीगे जो आप सुखाने के बाद हल्के नम रह जाते हैं ऐसे भी नहीं होने चाहिए। कई बार बाल ऊपर से सूख जाते हैं और अंदर अंदर भीगे होते हैं हेयर वॉश करने के बाद, तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक पूरे बाल अंदर से भी सूख नहीं जाते तब तक आप हेयर स्ट्रेटनर यूज मत करिए। जब बाल अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप हेयर स्ट्रेटनर को यूज करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूं हेयर स्ट्रेट करने के लिए, जिससे कि आपके बाल एक बार हेयर स्ट्रेट करने के बाद काफी दिनों तक चलेंगे, वो है कि जिस दिन आप शैम्पू करें अपने बालों को उस दिन आप हेयर स्ट्रेटनर बिल्कुल भी यूज नहीं करिए।
जी हाँ, अगर आपको आज पार्टी में जाना है या आज आपको हेयर स्ट्रेट करने हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी फंक्शन या किसी भी ओकेजन के लिए, तो आप एक दिन पहले यानी येस्टरडे को आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए और एक दिन वेट करिए। 24 घंटे के बाद अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो वो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, यानी काफी दिन तक चलेंगे जब तक आप नेक्स्ट हेयर वॉश नहीं करते। ये मैंने खुद से ट्राई करके देखा है अपने बालों में कि जिस दिन अगर मैं सेम डे हेयर वॉश के दिन अपने बालों को स्ट्रेट करती हूं तो वो जल्दी वेवी हो जाते हैं और काफी दिनों तक नहीं चलते। तो मैंने हेयर स्ट्रेटनर का एक वीडियो बनाया है, कोशिश करूंगी कि ये वीडियो पहले जाए क्योंकि आपको सारी चीजें पहले से पता हो कि हमें किस तरीके से हेयर स्ट्रेट करने हैं, उसके बाद वो वीडियो डालूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखते रहिएगा मेरा चैनल। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।